अपने धर्म का उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने स्वयं अपने प्रयासों से अपनी मेहनत से उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी मेहनत से आगे बढ़े और आज उसका परिणाम है कि ब्लॉक प्रमुख भी है और साथ साथ सिटी के अंदर भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के वे आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर का जब नव सृजित ब्लॉक भरोया आया तो भरोया में हम लोगों के सामने था ब्लॉक प्रमुख कौन बनेगा, तो सरहदी गांव भी उनके ही इसी ब्लॉक में विकास खंड के साथ आया, तो हम लोगों को लगा कि सबसे उपयुक्त नाम संजय सिंह हो गया और मुझे प्रसन्नता है कि उस ब्लॉक का पहले ब्लॉक प्रमुख के रूप में वह बेहतरीन तरीके से उस पूरे विकास खंड के साथ लोगों में विश्वास पैदा हो ये सेवा अपने आप में सेवा का प्रतीक है और विश्वास वहां पर है। जनता से जुड़े हुए कार्यों के प्रति रुचि लेना, विकास के कार्यों के प्रति रुचि लेना, जनता के साथ जुड़ाव रखना, विकास के कार्यों के साथ साथ व्यवसाय के प्रति भी उतनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना, आज हर शहर में अगर इस प्रकार के युवाओं के द्वारा प्रयास प्रारंभ हो जाए तो उत्तर प्रदेश को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। याद करिए आज से 6-7 साल पहले उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाते थे, कोई जाता था, लोग आपका नाम सुनते थे, आप कहां के रहने वाले हैं, लोग धर्मशाला नहीं देते थे, होटल में कमरा नहीं मिलता था, टैक्सी और रिक्शा वाला बिठाने से परहेज करता था, गलत निगाहों से देखता था। यानी 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन गई थी, लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब वहां का हर व्यक्ति गलत है, कुछ चंद गलत लोगों के कारण पूरे प्रदेश की बदनामी होती थी। लेकिन आज आप जाइए देश के अंदर दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, आपने उत्तर प्रदेश का नाम बोला लोग सम्मान देंगे और गोरखपुर का नाम बोला तो लोग आपको सेवा करेंगे। ये जो परिवर्तन आया इस परिवर्तन के लिए प्रयास करने होते हैं, एक सकारात्मक प्रयास, हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, परिणाम भी अच्छे आएंगे। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में निवेश होगा? मैं जब सांसद था मेरे साथ चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी की टीम बराबर दिल्ली आती थी कि गोरखपुर के लिए ये चीज भारत सरकार से स्वीकृत करा दीजिए, गोरखपुर के लिए ये चीज स्वीकृत करा दीजिए, गोरखपुर के लिए हो जाए, बहुत सारी चीजें आती थी, बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन प्रयास करना होता था। मुझे लगता संसद सत्र के दौरान हर सप्ताह ये लोग दिल्ली पहुंच जाते थे, उनकी रुचि थी, एक अंतःकरण की रुचि थी कि भाई गोरखपुर में हमारा जन्म हुआ तो यहां का कुछ विकास हो जाएगा और हम लोग भी तरसते थे कि गोरखपुर में भी कुछ विकास हो जाए। लेकिन आज गोरखपुर में तो विकास हो ही रहा है, आपने देखा होगा पथ पार्क कारखाना फिर से चालू हो गया। आज आप शाम के समय कभी निकलिए, अंधेरी रात हो तब ट्राइजर की तरफ आप देखिए, आपको लगेगा कि आप किसी विदेश में आए हैं, वहां की साइनिंग, वहां की लाइटिंग आपको लगेगा। आप जब कभी दूर से देखेंगे रामगढ़ ताल को नजदीक जाएंगे तो वहां शाम के समय काफी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन दूर से भी देखेंगे लोगों को लगेगा कि भाई ये कोई यूरोप का कोई एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां जाने के लिए दुनिया तरसती है। आज जब चाहे वह गोरखनाथ मंदिर रेलवे एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर की ओर हो या फिर मेडिकल कॉलेज के मार्ग पर जहां कहीं आप जाएंगे, फोर लेन की सड़कें गोरखपुर को चारों ओर से फोर लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं सब कुछ तो प्राप्त हुआ ही है,
प्रदेश के अंदर भी हर एक जगह इस प्रकार की सुविधाएं हम लोग विकसित कर रहे हैं। लेकिन विकसित होने के साथ साथ जिस निवेश के लिए पहले हमारे समाज के कुछ चुनिंदे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जनों को बाहर जाकर के लगातार प्रयास करना पड़ता था, आज बिना किसी प्रयास के वह निवेश गोरखपुर और प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा। आप अनुमान करिए देश के अंदर इन्वेस्टर समिट अनेक हुए, अनेक हुए, लेकिन उनके तमाम प्रयास के बावजूद भी उनकी जो निवेश के प्रस्ताव उनको प्राप्त होते थे वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और जो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ था पहले 17 लाख का हुआ था। और उत्तर प्रदेश ने जब इस दिशा में अपना कार्यक्रम इसी वर्ष फरवरी में किया तो फरवरी से अब तक हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ऐसे नहीं हुए होंगे, इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ गई होगी, इसके लिए सरकार को प्रदेश के परसेप्शन को सुधारना पड़ा होगा कि लोग अच्छा सोचे यूपी के बारे में, गोरखपुर के बारे में या पूरे प्रदेश के हर जनपद के बारे में, लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल हो, दंगे फसाद न हो, अराजकता न हो, गुंडागर्दी न हो, रिफॉर्म करने पड़े थे हर एक स्तर पर। और आज परिणाम है ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। ये निवेश में ये केवल निवेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का परिणाम है। और 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी इस सभी निवेश के साथ प्राप्त होने वाली है। आप अनुमान करिए 1 करोड़ 10 लाख नौजवान जिस राज्य के अंदर, ये चीजें दिखाती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की किसी भी युवा को नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बाहर के लोगों को नौकरी और रोजगार देने से उत्तर प्रदेश जाना। और अच्छा प्रयास हो रहा है गोरखपुर में, और अच्छे होटल बन रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट भी बन रहे हैं, अच्छी सुविधाएं विकसित हो रही है, अच्छे हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, अच्छे शिक्षा के केंद्र भी आ रहे हैं। पहले एक विश्वविद्यालय था, 4-4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो चुके हैं। एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है, और हम सबको इस सकारात्मक पहल के साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे इस रंगालिया जो ये बैंकट हॉल के रूप में यहाँ पर संजय सिंह जी ने और उनके सहयोगियों ने यहाँ पे आज प्रारंभ किया है, यह गोरखपुर के विकास के लिए एक नई कड़ी है, एक नया प्रयास है। हमें इस प्रकार के प्रयासों को सरल न केवल प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि इस प्रयास के साथ स्वयं भी जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से श्री संजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी के हृदय की शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका ये प्रयास गोरखपुर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।